यस स्टार्ट। यदि एक पार्टी एक चुनाव में या दो चुनावों में जीत गई है तो उन्हें बताना चाहिए कि वे भविष्य में इस प्रकार से नहीं चलते रहेंगे, क्योंकि लोग उनका यह ख्याल समझ जाएंगे। लोग तो उनका यह खेल समझना शुरू भी कर चुके हैं। लोगों को फिर से विकास की उन पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि मंदिर को लेकर लोगों के मन में जो उत्साह था, जो उत्तेजना थी, जो क्रोध था, वे सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दो या तीन महीने पहले इस बात को लेकर जो तीव्र भावना व्याप्त थी वैसी अब नज़र नहीं आती। इसलिए इससे पहले कि लोग हमें बताएं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि लोगों का रुख बदल रहा है। इसलिए यह बेहतर होगा कि हम अपनी कार्यसूची या एजेंडा अपनी इच्छा से शालीनतापूर्वक बदल लें, अन्यथा कानून इसे बदलेगा, संविधान इसे बदलेगा, लोग इसे बदलेंगे। वास्तव में हमारे लोकतंत्र में गैर पंथ निरपेक्ष पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, और मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि उसके लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। बात केवल यह है कि हम अपने विचार प्रकट करते हैं और फिर अपनी कही बातों का लाभ उठाने की कोशिश करना चाहते हैं, परंतु व्यवहार में इस दिशा में हम कुछ करते नहीं हैं। इसलिए मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि केवल भाषणबाजी के लिए नहीं, हम ठंडे दिमाग से संविधान के उपबंधों पर विचार करें और देखें कि इस पर कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए क्या किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा पहला कथन यह है कि अब समय आ गया है कि हमारे संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसे सुनिश्चित किया जाए। आज देश में जो कुछ हो रहा है वह संविधान की मूलभूत भावना से भिन्न है। इसलिए हमें अपने राजनीतिक जीवन को, अपने चुनावी जीवन को, चुनाव प्रक्रिया को संविधान के उपबंधों के अनुरूप ढालना चाहिए, और सीधे साधे शब्दों में यही उद्देश्य है कि और हमें उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ऐसा कर सके तो हमारी बाकी हर चीज़ स्वतः ही अपनी चिंता कर लेगी। अतः हमें चाहिए कि लोगों को संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार ही चुनाव में वोट देकर विजयी बनाना चाहिए, ताकि हमें भी गर्व हो कि जो प्रतिनिधि हम चुनकर लाए हैं वह सही है।